सादा दिल हुसने अमल शीरी जुबा अब्दुल हफीज खूबसूरत नेक सीरत मेहरबान अब्दुल हफीज खूबसूरत नेक सीरत। मैंने पहली मर्तबा ताजियत के शेर लिखे हैं। बस अल्लाह करे कि मैं सही चलूं और आप आपको लगे कि मैं इसे पढ़ रहा हूं। सादा दिल हुसने अमल शीरी जबा अब्दुल हफीज खूबसूरत नेक सीरत मेहरबान अब्दुल हफीज खूबसूरत नेक सीरत मेहरबान अब्दुल हफीज। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। अकल हैरान दिल परेशान और लब खामोश हैं। अकल हैरान दिल परेशान और लब खामोश हैं। अकल हैरान दिल परेशान और लब खामोश हैं। आपका गम हम करें कैसे बयां अब्दुल हफीज। आपका गम हम करें कैसे बयां अब्दुल हफीज। और शेर समाप्त में ऐसा लगता है कि जैसे तुम यहाँ मौजूद हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम यहाँ मौजूद हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम यहाँ मौजूद हो। आज भी होता है सबको ये गुमां अब्दुल हफीज। आज भी होता है सबको ये गुमां अब्दुल। एक बड़ा शेर सुन लीजिए। मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ। अगर अगर शायर जो राइटर है, जो शायर है, अगर वो ये बोले कि एक अच्छा एक बड़ा शेर सुन लीजिए, तो आप मान लिया करो कि अच्छा शेर होगा। शेर समझने की कोशिश नहीं करना। शेर मुकम्मल हो जाए तो बस आप सुभान अल्लाह बोल देना, है ना। कल परसों समझना के क्या था। समाप्त फरमाया। आप अगर शायरी में पहुंच गए, इसके शेर तक पहुंच गए, तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। बहुत बड़ा शेर। समाप्त फरमाया। जब ये शेर हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अल्लाह ने एक अच्छे शेर से मुझे नवाजा। समाप्त फरमाया। सादा दिल हुस्ने अमल शीरी जबां अब्दुल हफीज। इनके अब्दुल हफीज साहब के खानवादे के जितने भी लोग हैं, अहबाब रिश्तेदार, खास तौर से समाप्त फरमाए। जिंदगी की सारी खुशियां मिल तो सकती है मगर, जिंदगी की सारी खुशियां मिल तो सकती है मगर, जिंदगी की सारी खुशियां मिल तो सकती है मगर, दस्त शफकत के लिए जाएं
कहाँ अब्दुल हफीज दास्त शफकत के लिए जाए, कहाँ अब्दुल हफीज जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल तो सकती है मगर दास्त शफकत के लिए जाए, कहाँ अब्दुल हफीज खूबसूरत नेक सीरत मेहरबान अब्दुल